वो पहाड़ों को काटकर राह बनाने का दम रखते हैं, घिर के तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं। यूं तो तरस आ जाता है आसमां की खामोशी देखकर, वरना उसका भी सीना चीर कर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं। ये जोशीली पंक्तियां एक ऐसी शख्सियत की ओर इशारा करती हैं जिसने जिंदगी में कभी भी हारना नहीं सीखा। वो खेल के मैदान पर सक्रिय एक ऐसी खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा चुस्ती, फुर्ती, चपलता, स्टैमिना और तकनीकी कुशलता के लिए मशहूर खेल बैडमिंटन में महारत हासिल की है। और ये मशहूर खिलाड़ी है दुनिया की सबसे बेहतरीन डबल्स प्लेयर्स में से शामिल, ज्वाला गुट्टा। ज्वाला की पैदाइश महाराष्ट्र के वर्धा जिले की है, जहां 7 सितंबर 1983 को उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से ताल्लुक रखने वाले क्रांति गुट्टा और मूलतः चीन की रहने वाली येलान गुट्टा के घर में जन्म लिया था। ज्वाला आजकल रहती हैं देश की स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से मशहूर हैदराबाद शहर में, जहां की मिट्टी ने मोहम्मद अजरुद्दीन, वीवीएस लक्ष्मण, सानिया मिर्जा, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, मुकेश कुमार और गगन नारंग जैसे नामचीन खिलाड़ियों को दुनिया के सामने पेश किया है। चार सौ साल से ज्यादा की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का शहर हैदराबाद तकनीकी प्रगति की मिसाल हाईटेक सिटी के लिए भी सारी दुनिया में विख्यात है। और हैदराबाद शहर के बीचों बीच स्थित है फतेह मैदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां से शुरुआत होती है बैडमिंटन की। सुपरस्टार ज्वाला गुट्टा के खेलों की दुनिया को समर्पित एक नए दिन की। भगवान बहुत कम लोगों को हुनर देता है और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने हुनर को उपलब्धियों में बदल पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा की। ज्वाला, हमारे शो में आपका स्वागत है। थैंक यू ज्वाला। आज हम आपकी पूरी जिंदगी जीने वाले हैं, सुबह से लेकर शाम तक ज्वाला क्या करती है। तो अभी आप कहाँ पहुँची हैं, सुबह का वक्त है बताएं। सुबह अभी ट्रेनिंग शुरू होगा, तो अगले 3-4 घंटे शायद इधर ही ट्रेनिंग होगा। इट्स गोना बी टफ। इंटरनेशनल बैडमिंटन में अपना एक खास मुकाम हासिल कर चुकी ज्वाला गुट्टा अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए रोज जमकर पसीना बहाती है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5 घंटे की ट्रेनिंग, जिसमें कोर्ट पर अभ्यास के अलावा नेट ट्रेनिंग, जिम एक्सरसाइज, अलग अलग तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस तथा रनिंग भी शामिल होती है, जो इस बात का एहसास दिलाती है कि ज्वाला गुट्टा जैसी खिलाड़ी को भी कड़ी मेहनत की आग में घंटों तपना पड़ता है, तब कहीं जाकर इंटरनेशनल लेवल पर मेडल की सुनहरी चमक निखर कर सामने आती है। ज्वाला ने 6 साल की छोटी उम्र से ही बैडमिंटन के रैकेट को अपना हमसाया बना लिया था। तब शायद उनकी खुद की लंबाई भी बैडमिंटन रैकेट के बराबर नहीं थी, लेकिन दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा तथा आंखों में सुनहरे कल का सपना लिए ज्वाला जब जाने माने कोच एसएम आरिफ के पास पहुंची थी, तो उनकी पार की नजर ने तुरंत ही ज्वाला में छिपे भविष्य के चैंपियन को पहचान लिया। ज्वाला जब 4 साल की थी पहली दफा, उसके माँ बाप मेरे पास लेकर आए, वो अपने फादर के पाँव के बीच में से मुझे देख रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत छोटी सी है, चिरकुटी, इसको मैं क्या करूँगा अभी, इसको आप 2 साल इसको कम से कम जिमनास्टिक से स्विमिंग करवाइए, और जब वो 7 ईयर्स की हो जाएगी जब से मैं शुरू करूँगा। तो उतने बचपन से मेरे साथ है ये, और मैंने ये देखा कि बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है ये। अगर आप मुझे कहेंगे कि गर्ल्स में मुझे एक टैलेंट लेडीज़ में निकालने के लिए कहेंगे आप, तो आई विल सिंगल से हर आउट कि शी इज द बेस्ट टैलेंट इन द कंट्री एज फॉर द लेडीज इज कंसर्न। ज्वाला ने पिछले साल तक 14 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने का अनोखा रिकॉर्ड स्थापित किया है।
भारत में डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में वो लगभग अपराजित रही हैं और अपने 15 साल के गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय करियर में ओलंपिक्स के अलावा हर बड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने तमगे हासिल कर भारत का परचम लहराया है। शी इज अ वेरी गुड फाइटर, वो अपने कभी किसी से हार मानने को तैयार नहीं। शी इज अ वेरी गुड फाइटर और सेकंड थिंग इज बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर है। सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से अपोनेंट्स को प्रॉब्लम में डालना है, ओपनिंग्स लेना है, ये ज्वाला बहुत अच्छी तरह करती है। और मुझे इसका साथ जो अभी आज जैसा हम काम कर रहे थे, ज़्यादातर हम इसके डिफेंस पे काम कर रहे थे, इसकी पोजीशनिंग जो है टाइम्स डिफेंस के लिए थोड़ा सा वो हैजर्डेड हो जाती है, लेकिन शी इज़ अ वंडरफुल प्लेयर एंड वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर। और वो अगर वो अलर्ट रहती है तो कोई भी चीज़ छोड़ने को तैयार नहीं, और मेरा ख्याल है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पोडियम फिनिश के अलावा ज्वाला ने 2006 के मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में मिक्स्ड टीम स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया और 4 साल बाद दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में मिक्स्ड टीम इवेंट के पदक का रंग उन्होंने कांसे से चांदी में तब्दील कर दिया। दिल्ली में ही घरेलू कोर्ट्स पर दर्शकों के अपार समर्थन के बीच ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने डबल्स का गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी की सदा बहार जोड़ी ने इसके बाद भी धमाकेदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा और साल 2011 में लंदन में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसी साल यानी वर्ष 2014 में दिल्ली में आयोजित उबेर कप में भारत की कांस्य पदक रूपी सफलता में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की डबल्स जोड़ी का अहम योगदान रहा। इसके अलावा मिक्स्ड डबल्स में भी वी दीजू के साथ ज्वाला गुट्टा ने तमाम सफलताएं अर्जित की, जिनमें से 2009 में चाइनीज ताइपेई ओपन ग्रां प्री में गोल्ड की खिताबी जीत और मलेशिया में वर्ल्ड सुपर सीरीज मास्टर्स के फाइनल में पहुंचना खास तौर पर यादगार कहा जा सकता है। पिछले दिनों ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में डबल्स का सिल्वर मेडल जीतकर ज्वाला ने साबित कर दिया है कि अब भी उनके खेल की धार तथा स्ट्रोक्स की चमक बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। सुश्री ज्वाला गुट्टा। बैडमिंटन कोर्ट पर ज्वाला की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 2011 में उन्हें देश के श्रेष्ठ खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। यूं तो ज्वाला डबल्स की अपनी पार्टनर अश्विनी से काफी ज्यादा वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका मानना है कि अश्विनी के खेल की बदौलत ही इस जोड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई मंजिलें हासिल हुई हैं। बैडमिंटन कोर्ट पर बाएं हाथ से खेलने वाली ज्वाला और दाहिने हाथ से खेलने वाली अश्विनी का तालमेल देखते ही बनता है। खुद ज्वाला भी मानती है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन विपक्षी खिलाड़ियों के लिए अक्सर खतरनाक साबित होता है। कोर्ट पर अपने दमदार नेट प्ले से विपक्षी खिलाड़ी को अक्सर हैरान कर देने वाली ज्वाला अगर अश्विनी की तारीफ करने में आगे रहती है तो वहीं अश्विनी भी खुले दिल से स्वीकार करती है कि कोर्ट पर अगर उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्टनर मिल सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्वाला गुट्टा ही है। पेयरिंग आई थिंक बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबको पता है अश्विनी का स्मैश इज़ वर्ल्ड फेमस और मुझे बहुत हेल्प करता है अश्विनी का स्मैश और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अश्विनी को ओपनिंग देने की कोशिश करती हूँ, यू नो, एंड मैं लेफ्टी हूँ और वो राइटी है, तो यू नो वी हैव गुड एडवांटेज एंड बस अच्छा कॉम्बिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है गेम की और इसीलिए हम दोनों का कोऑर्डिनेशन कोर्ट पर अच्छा होता है।
अश्विनी, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका और ज्वाला का, की पेयरिंग हुई और एक लेफ्ट और राइट जो कह रहे हैं बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक एज ज्वाला सर, इट्स एन एडवांटेज फॉर अस बिकॉज आई एम बेसिकली अ हार्ड स्मैशर फ्रॉम द बैक ऑफ द कोर एंड सो इज ज्वाला, बट ऑन द अदर हैंड शी इज रियली गुड एट द नेट, सो वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन आवर गेम स्टाइल्स. And it's really helpful because when I hit from the back of the court and Jwala is always looking for the shuttle at the net to finish. Is sir training ko bata hua hai aapne, like abhi aap kya karne wale hai, 6 din ki aapki training hoti hai, to aap different training karte hain, kaisi training hai? Zyada explosive training hoga, you know, light weights zyada heavy nahi hoga, heavy weights ke sath nahi hoga, light weight training ke sath, you know, zyada explosive movements honge, court par zyada training hoga aur games zyada honge. अपने आप को पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखने के लिए ज्वाला गुट्टा जैसी खिलाड़ी को एक सख्त फिजिकल ट्रेनिंग सेशन से गुजरना पड़ता है और उनकी इस कठिन यात्रा को आसान बनाते हैं ज्वाला के फिजिकल ट्रेनर. एक्चुअली वी आर क्लोजर टू द कॉम्पिटिशन पीरियड, सो वी आर फोकसिंग मोर ऑन द एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग. So I'm concentrating more on the heavy training, like weight training. So she is doing 100 kg squats and lunges and all. So we are focusing on the strength training plus explosive and plus the flexibility training after do the training. So I'll make her do more stretches for the relaxation to the muscles. We are focusing on that kind of training. Mentally, if you want me to talk about Jwala, she is very good in mental strength. So even more, if I want to build her mental strength, we will talk more positive, and always we will talk positive, and I will show some video of positive thoughts. So we are concentrating that way. Jwala Gutta ko bhale hi badminton se jude hue 20 saal se zyada ho chuke ho, lekin wo apne saath abhyas karne wale junior khiladiyon ko बराबर प्रोत्साहित करती है और उनके बीच खासी पॉपुलर भी है. शी इज वेरी गुड टू अस, गुड टू जूनियर्स. ट्रेनिंग टाइम पे तो बहुत सीरियस रहती है एंड इट्स फन प्लेइंग विद हर. फन टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा. कंपैटिबिलिटी इनका जितना बॉन्डिंग है, इंडिया में वुमेन्स डबल्स किसी को नहीं है. उनका वे ऑफ प्ले, वे ऑफ एक्टिंग ऑन द कोर्ट, एटीट्यूड, वो सब हमको भी देख के ऐसे वो बोलते रहते कि यू हैव टू लर्न, अभी अभी नहीं तो कब. They start pushing like, देख हमको देख, you make us a role model, you see us, we are playing good. ज्वाला गुट्टा जैसी प्रतिभाशाली और कुशल खिलाड़ी को बैडमिंटन कोर्ट पर एक संपूर्ण खिलाड़ी में बदला है उनके कोच SM आरिफ ने, जो तन मन धन से बैडमिंटन के प्रति समर्पित है और इस खेल में विशिष्ट योगदान के लिए आरिफ साहब को द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है. बैडमिंटन कोर्ट पर ज्वाला गुट्टा की आगे बढ़ने की कहानी को शब्द देते हुए SM आरिफ बहुत सहज महसूस करते हैं. हम लोग हमेशा जो है ट्राई करते हैं कि सारे मोटर एबिलिटीज़ हैं, जिसमें एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ एबिलिटीज़, एजिलिटी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारों चीज़ों के ऊपर ही हमको जोर देना पड़ता है. अब ये जोर जो है अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग चांस देते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर ऑफ सीज़न में हम लोगों का ज़्यादातर एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ के ऊपर जोर होता है. उसके बाद जैसे जैसे हम सीज़न की तरफ आते हैं, वही एंड्योरेंस का जो है वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ स्पीड और स्पीड और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है. लेकिन अब जब टूर्नामेंट की तैयारी होती है, हमारा ज़्यादातर जोर होता है कि इनको फिज़िकल, इनका जितना भी हो वो कोर्ट के ऊपर लगे, ताकि जितना इनका इस लेवल है वो कोर्ट के ऊपर ही सर्फ हो, उनकी स्ट्रेंथ है, उनका स्टेमिना है. तो ज़्यादातर हम चाहते हैं कि कोर्ट की ट्रेनिंग ही और जो एरर्स हैं उनको दूर करें, जो मार्जिन ऑफ एरर है वो कम हो. तो हमारी ट्रेनिंग जैसे जैसे टूर्नामेंट के करीब आते हैं तो ज़्यादातर जोर हमारा इसी पर होता है. ज्वाला गुट्टा के पिता क्रांति गुट्टा ही वो शख्स थे जो 6 साल की नन्ही सी बच्ची को लेकर कोच SM आरिफ के पास पहुंचे थे. तब से लेकर आज तक क्रांति गुट्टा का अपनी स्टार बन चुकी बेटी के साथ बैडमिंटन कोर्ट पर आने का ये खूबसूरत सिलसिला बदस्तूर जारी है. आप कब से प्रैक्टिस में ज्वाला के साथ हैं, इस स्टेडियम में कब से आ रहे हैं? करीबन 25 साल हो गया है यहाँ ये स्टेडियम में आते हुए. कितना गौरव मिलता है आपको कि आप ज्वाला गुट्टा के पिता हैं, आपको उस नाम से जान जाता है कि आप क्रांति जी नहीं, आप ज्वाला गुट्टा जी के पिता हैं, उसके बारे में? किसी भी पिता को ये बहुत प्राउड फील करने का मोमेंट है, क्योंकि
कभी भी अपने नाम से नहीं, अपने बच्चों के नाम से जाना जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब क्या बोलते हैं, वही अवार्ड बोलना चाहिए। और जब ये आगे जाती हैं, एक नए नए टूर्नामेंट्स में जाती हैं, तो आप साथ जाते हैं, आपका कितना कॉन्फिडेंस रहता है इनके साथ, किस तरह आप एज अ फादर सपोर्ट करते हैं इनको? इनिशियली तो हर टूर्नामेंट में मतलब हम साथ में थे, करीब 16 साल तक तो मैं ही जाता था। उसके बाद उनकी मम्मी, ज्वाला की मम्मी जो है, साथ में जाती थी एक दो साल। फिर उसके बाद जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट आए तो अपने आप थोड़ी बड़ी भी हुई। ज्वाला, आप बताइए कि आपके फादर का कितना योगदान है और किस तरह उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और आज वो आपके साथ खड़े हैं, हर प्रैक्टिस में वो आपके साथ आते हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट ये होता था आपके लिए कि मेरे फादर हमेशा से मेरे साथ पीछे खड़े हैं? नहीं, ऑफकोर्स आई थिंक जब मैं छोटी थी, जब छोटे होते हैं हमको तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन का तो मीनिंग नहीं पता होता, तो आई थिंक ये जो पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स स्पेशली, इन्होंने मुझे सिखाया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस, आई थिंक व्हाटएवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ देम। आई डोंट थिंक उसमें कोई डाउट है। आई थिंक लड़ना आपके खून में, आप फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में बताएं सबसे पहले आप, क्योंकि ये जज्बा ज्वाला के अंदर भी है। हाँ, उस हिसाब से मतलब मैं जो है अपने पिताजी का से काफ़ी, मतलब जो भी आइडियोलॉजिकल जो इश्यूज है, सारी चीज़ें मेरे पिताजी से ही सीखा मैंने, जबकि घर में सबसे छोटा हूँ मैं, लेकिन मेरे पिताजी के साथ मैं वॉकिंग में जाता था, जो भी जाता था, तो जैसा उंगली पकड़ के मतलब मेरे को सारी चीज़ें बताते थे। और वो उनके फैमिली जो है ऑलमोस्ट करीबन 14 लोग एक साथ जेल के अंदर रहे फ्रीडम मूवमेंट की में, तो एक सिंगल लार्जेस्ट फैमिली ऑलमोस्ट, हमने जहाँ तक हिस्ट्री पढ़ा इंडिया में, मतलब कोई ऐसा कोई इतना बड़ा फैमिली एक साथ जेल में हो फ्रीडम मूवमेंट में, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं, तो मेरे आई फील प्राउड। कोई ऐसा एम जो आपका है आपके पेरेंट्स के लिए? मैं एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, जो डैडी को बहुत सालों से उनका एक ख्वाहिश है कि एक स्पोर्ट्स स्कूल खोले, और एक डेडिकेटिंग इट टू स्पोर्ट्स एंड स्टडीज बोथ। आपका क्या एम है, स्पेशली ज्वाला गुट्टा के फादर हैं, आपकी क्या एम होता है आपका खुद ज्वाला के लिए, और आपको क्या लगता है इनके बैडमिंटन करियर में आप क्या चाहते हैं इनसे? अब फुटबॉल जैसा फीफा कप बोलते हैं, तो फुटबॉल के लिए तो उस टाइप से, बैडमिंटन के लिए हम देखते हैं कि भाई एक ओलंपिक मेडल जीते, तो मेरे ख्याल से आई थिंक नेक्स्ट शी इज़ एमिंग फॉर द ओलंपिक मेडल, और वो एक मेडल जीत के लेके आए, एंड शी गिव्स बैक एवरीथिंग टू द बैडमिंटन फ्रेटर्निटी, बैडमिंटन इन इंडिया, एंड बैडमिंटन को अच्छा करे, वही एक हमारे लिए सबसे खुशी की बात। ज्वाला हमेशा दिल से बात करती है, फिर चाहे दोस्तों का जिक्र हो या खाली वक्त में मुंह ढककर सोने से लेकर शॉपिंग के शौक की बात, और यही बेबाक अंदाज ज्वाला की पर्सनैलिटी की खासियत है। 3 घंटे के अभ्यास के बाद ज्वाला गुट्टा वापस आ गई हैं और उनके साथ हमारा सफर जारी है। ज्वाला, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपने बैडमिंटन ही क्यों चुना? बैडमिंटन, मुझे पहले दूसरे स्पोर्ट्स से भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, लाइक टेनिस एंड टेबल टेनिस, बट टेनिस में मम्मी डरती थी कि मैं शायद काली हो जाऊंगी धूप में, और आई हैड अ लॉट ऑफ एलर्जीज, तो इसीलिए मुझे बैडमिंटन शिफ्ट करा दिया, और आई इमीडिएटली पिक्ड इट अप एंड स्टार्ट प्लेइंग। लेकिन जब आपने शुरुआत की तो ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ गेम, पिताजी आपको ले गए बैडमिंटन में, आप पहुंची कैसे, आरिफ साहब से कैसे मिली? आई एम द फर्स्ट गर्ल चाइल्ड इन हमारे पूरे फैमिली में, मैं पहली लड़की थी, और जब मैं पैदा हुई थी इट वाज नॉट अ कि अरे लड़की पैदा हो गई, थोड़ा एक प्रेशर था शायद, पता नहीं, बट मेरे डैडी ने कभी मुझे लड़के से कम नहीं सोचा, और पैदा होते ही ठान लिया था कि आई विल मेक अ समथिंग डिफरेंट, और वो टाइम में स्पोर्ट्स को एक करियर जैसा लेना, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, बट इट वाज माय डैड, मेरे डैड की आई थिंक आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू माय डैड कम्स फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, और मेरे दादाजी जो हैं वो उनके एरिया के वो जो सॉल्ट बोलते हैं नमक के लिए बहुत लड़े हैं और जेल भी गए हैं, तो सुनाते हैं हमको बहुत अनरियल लगता है, बट शायद मे बी दैट्स
that is coming to me also. So I think that's one of the reasons why I'm here. कुछ फैमिली के बारे में बताएं, आपके पिताजी जैसे आपने कहा फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी मॉम चाइनीज़ हैं, तो कैसे मिले और कुछ दोनों का सपोर्ट सिस्टम कैसा है उसके बारे में बताएं। वो तो खैर मॉम के ग्रैंडफादर, माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज अ गांधीयन और यू नो गांधी की बायोग्राफी और गांधी के स्टूडेंट थे और गांधी की बायोग्राफी लिखने वो इंडिया आए थे और उसी टाइम पे मेरी मम्मी को भी लेके आए और एंड माय मदर स्टार्टेड स्टडिंग इन द सेम कॉलेज एज माय डैड और तभी वो लोग मिले एंड दे फेल इन लव एंड दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड इट्स बीन ग्रेट. आई थिंक मिक्स कल्चर है, यू नो इट्स एन इंटरनेशनल मैरिज, इट्स नॉट जस्ट इंटरकास्ट और यू नो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आई थिंक द ग्रिट एंड द डिटर्मिनेशन कम्स फ्रॉम माई मदर एंड शी इज़ अ वेरी ग्रिटी एंड अ वेरी प्राउड वुमन एंड बहुत यू नो उन्होंने भी बहुत यू नो हासिल किया है लाइफ में. शी इज़ अ ग्रेट बिजनेस वुमन एंटरप्रेन्योर एंड शी इज़ डूइंग वेल फॉर हर सेल्फ एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव सपोर्टेड मी अ लॉट. कुछ अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए, आप करती हैं बैडमिंटन के अलावा ज्वाला गुट्टा के क्या शौक हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ. आई ऐसे जब मेरे प्रैक्टिस चल रहे होते हैं तो मैं सोती बहुत हूँ, तो आई स्लीप इन द आफ्टरनून, खाती हूँ, यू नो आई हैव माई डाइट एंड आई स्लीप, आई टेक रेस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा शायद आई गो फॉर मूवीज़, दैट्स अबाउट इट, और यू नो फ्रेंड्स से मिलना, दैट इज़ ऑन वीकेंड्स, यू नो अदरवाइज आई थिंक आई एम अ शॉपाहोलिक, आई शॉप अ लॉट, सो आई इंडल्ज इन शॉपिंग, दैट्स अबाउट इट. अपने कोच आरिफ साहब के बारे में बताइए, उनसे आपको कितना सपोर्ट मिला, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या वो बैकिंग देते हैं आपको? आरिफ सर उन्होंने मुझे बैडमिंटन ही नहीं, आई थिंक जो मैं हूँ आज, यू नो द काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड जो एक लाइफ में जो एक वैल्यूज़ होती है, लाइफ की वैल्यूज़, आई थिंक उन्होंने मुझे सिखाया. आई थिंक आई गिव हिम द क्रेडिट, आई ओ इट टू हिम. बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, यू नो आई थिंक दैट इज़ वाई आई एम व्हाट आई एम, इज़ बिकॉज ऑफ माय सर आरिफ सर एंड माय पेरेंट्स. सो दे नेवर प्रेशराइज्ड मी कि यू नो तुम्हें जीतना ही है या यू हैव टू परफॉर्म. आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर. सो आई थिंक आरिफ सर इज गिवन मी एवरीथिंग. बैडमिंटन इज़ बिकॉज ऑफ आरिफ सर एंड I don't think I can give anybody else the credit. It's only been Arif sir all the time. कोई आपकी ऐसी बड़ी अचीवमेंट या ऐसा मोमेंट जो याद करते हो या वो अचीवमेंट में आपके आंखों से आंसू आ गए हो कि मैंने इतना अचीव कर लिया? मैंने फर्स्ट टाइम मैं रोती नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत कम रोती हूँ. आई डोंट लाइक टू शो माई वीकनेस. आई फील आई थिंक दिखाने भी नहीं चाहिए एक इमोशन. आई थिंक फॉर मी क्राइंग एंड is very private, so I do it very privately. But I think last 2010 Commonwealth ke baad the kind of I was going through a lot of nonsense and jab main jeeti 2010 in front of my parents, it was very emotional. I think that was a very special moment for me. I'll never forget it. कोई ऐसी चीज़ जो ज्वाला गुप्ता को सबसे ज़्यादा पानी? अभी तो अगर आप देखोगे मेरे अचीवमेंट लिस्ट में, आई थिंक मैंने सब बहुत हर लेवल की टूर्नामेंट्स जीते हैं, यू नो इंक्लूडिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स. एक बचा है तो ओलंपिक्स, तो बस मैं उसी पे अभी फोकस कर रही हूँ. 2016 रियो एंड अगर मैं मेरे करियर को एंड करूँगी, आई वॉन्ट टू एंड इट इन अ नाइस गुड नोट एंड और अगर एक मेडल मैं जीत गई तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट वे. ज्वाला कोई ऐसा मैसेज फैंस के लिए, यंग जनरेशन के लिए, इंटरनेशनल फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? वेल फैंस के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए और आई मेक श्योर दैट वी डोंट डिसअपॉइंट यू. और यंग जनरेशन के लिए मैं यही बोलूँगी कि आजकल पेशेंस बहुत कम हो गया है हमारे जूनियर्स और बच्चों में. आई थिंक एक पेशेंस और हार्डवर्क जो होता है, सब एवरीबडी वॉन्ट्स इट वेरी यू नो फास्ट. सो इफ अगर आपको ऊपर तक जाना है और वहीं पे रहना है तो शॉर्टकट्स मत लीजिए, पेशेंटली वर्क हार्ड एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट.
अपने गौरवशाली खेल जीवन में तमाम उपलब्धियां हासिल कर चुकी ज्वाला गुट्टा का अब एक ही लक्ष्य है, 2016 के रियो ओलंपिक्स खेलों में देश के लिए पदक हासिल करना। बैडमिंटन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर चुकी ज्वाला गुट्टा के साथ हमारा पूरा दिन बेहद खुशगवार और प्रेरणादायक रहा। तमाम मंजिलें हासिल करने के बावजूद ज्वाला गुट्टा अब एक नई मंजिल तलाश रही है और वो है ओलंपिक्स का मेडल। उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और दिल से दुआ देते हुए कुछ पंक्तियां याद आती हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है।